हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं एडवांस एक्सेल। दोस्तों, ये जो वीडियो बन रही है हमारे ऐप यूजर है उनकी एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस पे। जी हाँ, हमारे एक ऐप यूजर है जिन्होंने मेरा ऐप यूज करते हैं, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा है। ये मिस्टर कपिल है, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि हाउ कैन कैलकुलेट द रनिंग टोटल। तो चलिए हम बात करते हैं कि किसी चीज का रनिंग टोटल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका मंथ है और यहाँ पे आपका सेल्स है, और यहाँ पे मंथली आपका सेल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और यहाँ मंथली आपका मान लीजिए सेल है। अब चाहते हैं जो भी हम मंथली सेल लिखे उसका रनिंग टोटल यहाँ पे आ जाए। कैसे आएगा रनिंग टोटल? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सम का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ B2 से B2, जी हाँ B2 से B2 सेलेक्ट कर लेना है। अब बोलेंगे सर B2 से B2 दोनों एक ही जैसा? मैं बताता हूँ आपको, ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं पहले B2 को फ्रीज करूंगा, फिर नीचे की तरफ जब हम ड्रैग करेंगे तो ये देखिएगा B2, B3, B4, B5 इस तरह से होता जाए, मतलब जहां पे फॉर्मूला लगा है वो ऊपर अपने से ऊपर की वैल्यू को सम कर रहा है। इससे हमारा क्या होगा, रनिंग टोटल आ जाएगा। तो ये तो हुआ रनिंग टोटल विदाउट कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए ब्लैंक्स है, पहले से है, तो ब्लैंक नहीं चाहते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ तक ड्रैग ना करें, लेकिन चाहते हैं कि फॉर्मूला ड्रैग हो फिर भी ना दिखे, देन इसके लिए आपको यहाँ इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि इफ अगर सामने वाली वैल्यू इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे ब्लैंक दिखे, अदरवाइज जो डेटा आ रहा है वो डेटा दिखे। अब इसमें नहीं दिखेगा, इसमें आपको नहीं दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मंथ जो है रिपीटेड है, एक बार में नहीं है, मंथ रिपीटेड है। चलिए यहाँ पे मंथ को लिखते हैं और यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, और रिपीट का कोई सीक्वेंस नहीं है, और सेल्स में मैं फिगर रैन बिटवीन से करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे रनिंग टोटल लगाना है कि भाई जैन का रनिंग टोटल क्या होगा। जी हाँ, फैब का रनिंग टोटल क्या होगा, मतलब जैन यहाँ 27 है तो नीचे 27, यहाँ पे आपका 27 प्लस 82 हो जाएगा और 109 होगा, फिर नीचे कहीं जैन होगा आपका यहाँ, तो यहाँ पे आपका 109 प्लस 40 हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से करने के लिए हमें जस्ट सम इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जी हाँ, सम इफ कैसे लगाएंगे, यहाँ इक्वल सम इफ, सम इफ में हमने रेंज, वही तरीका है, रेंज G2 से G2 कॉमा यहाँ H2, सॉरी G2 और कॉमा यहाँ पे H2 से H2, और पहले वाले G2 और पहले वाले H2 को हम फ्रीज कर देंगे और फिर नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देंगे, तो हर मंथ का ये रनिंग टोटल आपको शो करेगा। जी हाँ, हर मंथ का रनिंग टोटल। तो कपिल जी, होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अगर कुछ और चीजें हैं तो मुझे आप कॉल कर लीजिए, कॉल करके मुझसे समझ लीजिए। और आप लोगों को सीक्वेंस वीडियो चाहिए तो मेरे ऐप में जाइए, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से परचेज कीजिए, और चाहे तो मेरे साथ लाइव क्लास भी ले सकते हैं। थैंक यू।